हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों की इतनी ढेर सारी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली हम बब्बू मान जी के इस चारों टीज़र के ऊपर रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज में, और कोशिश करेंगे वीडियो भी आपको आज में मिल जाए। ये है अदब पंजाबी का टीज़र जो कि पंजाब वाला है, एक कैनेडा वाला है, उसके ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो कर दिया है अपलोड, चेकआउट कर लेना। मोटर ते मीटर के ऊपर भी रिएक्शन कर दिया है, चेकआउट कर लेना। दिस टाइम ये है अदब पंजाबी सॉन्ग, हमने सुन लिया है। ऑडियो हमें पहले से ही पता था क्या है क्योंकि हमने ऑडियो के ऊपर भी रिएक्शन वीडियो किया था, बट अभी इसके दो वीडियोज़ आए थे, कैनेडा वाला और पंजाब वाला। कैनेडा वाला हमने पहले देख लिया तो हमने पहले वो अपलोड कर दिया, देन नाउ अभी पंजाब वाला है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना, पर बिफोर आई स्टार्ट इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ नहीं फॉलो किया है। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। स्वैग म्यूजिक, ये भी स्वैग म्यूजिक का है, अदब पंजाबी। सो गाइज, ये था वीडियो अदब पंजाबी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सॉन्ग के टाइटल की। अदब पंजाबी अपने आप में बहुत यू नो रिस्पेक्ट वाला वर्ड है, अदब पंजाबी, कि जो प्रॉपर पंजाबीज होते हैं उनके अंदर जो अदब होते हैं उस चीज़ के ऊपर। सॉन्ग में जब हमने लिरिक्स, इसका ऑडियो आया था ना, तो उसके ऊपर भी जो हमने रिएक्शन किया था तो उसमें भी मुझे लिरिक्स के थ्रू समझ में आया था कि भाई जो एक प्रॉपर पंजाबी होते हैं ना, प्योर पंजाबी, वो अपने अदब को कभी नहीं भूलते, जो उनके ब्लड में होता है वो चीज़ों को हमेशा वो याद रखते हैं। एंड इस सॉन्ग की जो लिरिक्स है उसके थ्रू कहीं ना कहीं समाओ मुझे लगा, वीडियो भी जो मैंने देखा, हालांकि वीडियो में ना एक प्रॉपर एक स्टोरी टेलिंग होगी जो कि हमें अभी तो समझ में नहीं आएगी, टीज़र देखकर जब पूरा सॉन्ग आएगा तब पता लगेगा कि प्रॉपर क्या स्टोरी रही है इसके अंदर। थोड़े कई उनके दुश्मन भी नज़र आ रहे हैं इसमें बब्बू मान जी के, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश ये की है कि जो एक अदब पंजाबी, जो पंजाबीज में जो एक अदब होता है कि भाई उनको ज़रूरत नहीं होती हथियार वथियार उठाने की, एक थप्पड़ ही काफ़ी है सामने वाले को उसकी मतलब असलियत दिखाने के लिए, उसको सही और गलत चीज़ बताने के लिए, और ज़रूरत नहीं है हथियार की क्योंकि सामने वाले के पास हथियार है। यहाँ पर बब्बू मान जी अपने थप्पड़ से उसको जवाब दे रहे हैं, सो इट्स क्लियर कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको हथियार की ज़रूरत नहीं है। एक जो प्रॉपर पंजाबी होता है ना उसके अंदर ये अदब होते हैं कि भाई उसको थप्पड़ मार के भी ना वो सामने वाले को फ़र्क दिखा सकता है सही और गलत में। सो मुझे अच्छा लगा। बात करें कौन सा वाला मुझे वर्जन बेटर लगा, कैनेडा वाला या ये वाला, देखो ऑडियो तो दोनों का सेम है तो ऑडियो में तो हम कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, बट हाँ अगर मैं वीडियो की बात करूँ मुझे थोड़ा ना कैनेडा वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या तो ये कह लो बब्बू मान जी का उसमें लुक वगैरह बहुत अलग है। यहाँ पर थोड़े मतलब बाल उनके थोड़े नॉर्मल है जैसे रहते हैं, उस वाले में ओवरऑल उनका लुक अलग है, जैकेट एंड स्पाइकी वाले बाल सब कुछ अलग, इसलिए मुझे वीडियो वो वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, हैवी कैनेडा का शूट हुआ हुआ, बट ओवरऑल ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर मुझे घोड़ा बहुत अच्छा लगा, पूरा वाइट हॉर्स जो होता है ना, वैसे भी मुझे वाइट हॉर्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो वो बड़ा सुंदर लग रहा था जो वाइट घोड़ा इसके अंदर दिखाया। ओवरऑल सॉन्ग बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि स्टोरी टेलिंग होगी इस गाने के अंदर, अब वो स्टोरी क्या होगी वो हमें पूरा गाना देख कर पता लगेगा। सो एनीवेज गाइज, दिस वॉज माई रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, अच्छा लगा पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।